और यहाँ पे मौत का कुआं, बिल्कुल मौत का कुआं बन चुका है दांगाम ब्रिज के पास, कि यहाँ पे किसी का भी पैर फिसल कर कोई बड़ा हादसा हो सकता है या कोई बड़ी गाड़ी इस ब्रिज को चक्रास करते करते नीचे नाले में गिर सकती है और गिरी भी है। हालांकि जब कश्मीर क्राउन पर एक बार ये स्टोरी चली तो इसके बाद इस पर जुगाड़ किया गया, भाई साहब पब्लिक टैक्स देती है तो पब्लिक का टैक्स उनकी बहबूदी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। शोपियां और कुलगाम को मिलाने वाला खूबसूरत रोड आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हो कितना बेहतर खूबसूरत और अच्छा रोड बनाया गया PMGSY की जानिब से कुछ साल पहले, लेकिन उस रोड में आज भी मौत का कुआं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, मौत का कुआं जो दांगाम के पास दांगाम का ब्रिज बन चुका है, हालांकि कई लोग मौत को छू के बच चुके हैं, लेकिन शोपियां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑफिस से निकलने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ के सियासतदानों से पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि वो अभी पावर में नहीं है। सियासतदानों का पावर नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों का ऑफिस से बाहर निकलने का जवाज नहीं। और यहाँ पे मौत का कुआं, बिल्कुल मौत का कुआं बन चुका है दांगाम ब्रिज के पास। लगातार कई सारी मीडिया चैनल्स की जानिब से बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया कि यहाँ पे किसी का भी पैर फिसल कर कोई बड़ा हादसा हो सकता है या कोई बड़ी गाड़ी इस ब्रिज को चक्रास करते करते नीचे नाले में गिर सकती है और गिरी भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डेवलपमेंट के नारे भी है और ब्यूटिफिकेशन के नारे भी है, वही जो शोपियां की और जो रास्ता जाता है दांगाम ब्रिज के पास, इस रास्ते की हालत मौत के कुएं से कम नहीं। फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, हालांकि जब कश्मीर क्राउन पर एक बार ये स्टोरी चली तो इसके बाद इस पर जुगाड़ किया गया, भाई साहब पब्लिक टैक्स देती है तो पब्लिक का टैक्स उनकी बहबूदी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि ऐसे जुगाड़ों के लिए। जहां इस शीट को वेल्डिंग की गई, लेकिन अफसोस की बात यह है यह वेल्डिंग जो है कुछ वक्त तक रुक नहीं सकी, तो लगातार यहां के मुकामी लोग परेशान। और मैं आपको बता दूं, अब कुछ महीने पहले ये कुछ महीने से यहाँ पे फिर से सीजन शुरू होने वाला है और इस सीजन में इस रोड पे ट्रैफिक का अच्छा खासा रश रहता है। को फिर से आपके कैमरा पे लाना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ना कर दी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आईना आपको दिखा देना चाहता हूँ। प्रेस से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर का ये कहना होता है कि हर जगह पे काम होता है, भाई साहब पिछले 4 सालों से ये ब्रिज यू का तू ही है, आप ब्रिज की रोक टोक करने में नाकाम हो, शायद बड़े हादसे का इंतजार है। अब फिर से कश्मीर टाउन की टीम उनसे मौतबाना अपील करती है, पॉलिटिशियंस का ये कहना है पावर में नहीं है, अब अथॉरिटीज को मान लेनी चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए और लोगों के इस जो शैतानी जो खूनी नाला बना हुआ है इस मसले को हल करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरान है क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा या फिर वो यूं कहेंगे लोग चिल्लाते हैं चिल्लाने दो हम अपने ऑफिस से बाहर नहीं आएंगे। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी एम्प्लॉय काम नहीं करेगा उनके ऑफिस से घसीट के ले आओ, भाई साहब यहाँ का एक आम इंसान किसी भी अफसर को ऑफिस से घसीट के नहीं ले आएगा, आपकी जिम्मेवारी बनती है इन अफसरों से पूछा जाए। 5 सालों से ये ब्रिज यूं का तू, कई हादसात भी हुए, इनसे पूछा जाए कि कहाँ थे आप, क्यों ये ब्रिज नहीं बना, क्यों इस पे काम नहीं किया, बड़ा सवाल। स्टेटमेंट देना एक बात, जमीनी हकाइक दूसरी बात, लेकिन हम यूं कहेंगे कि लगातार पॉलिटिशियंस भी तब तक अपनी बात नहीं रखेंगे जब तक उनको कोई वोट बैंक के लिए इस ब्रिज को नहीं भेजा जाएगा। वोट बैंक के लिए वो उसका कारोबार करेंगे, वो अपना इलेक्शन करेंगे, लोगों को यही ब्रिज दिखाएंगे और यही ब्रिज बेचा जाएगा। और अगर हम सियासतदानों की बात करते हैं तो यकीन मान लीजिए अगले 25 सालों तक ये ब्रिज नहीं बनेगा और ना वो इस ब्रिज को लेके आवाज उठाएंगे। अब ब्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आप उनको आगे आना चाहिए, लोगों के इस मसले को हमेशा के लिए सुलझना सॉल्व करना चाहिए। आप बने रहे कश्मीर काउन के साथ, दाऊद नायक, शोपियां। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुमने उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है।
बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंटरेक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ इन जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रابطہ करें।